तो हमेशा ओम बिरला जी समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं निवेदन किया कि समाज के लिए अमृत महोत्सव में जो उनका विभाग है एनसीपीएल, उस एनसीपीएल के माध्यम से भी ये कार्यक्रम होना चाहिए। आज की इस भव्य कार्यक्रम में हम सभी को मार्गदर्शन करने हेतु उपस्थित दुनिया के सबसे बड़ा प्रजातंत्र के लोकसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय ओम बिरला जी मंच पे विराजमान, शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय सुभाष सरकार जी, इंदौर से लोकसभा प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे मित्र शंकर लालवानी जी, लक्ष्मी चंद जी, दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मित्र आदेश गुप्ता जी, मित्र राजन जी, मंच पे उपस्थित अन्य सभी महानुभव और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विशेष करके मैं मेरे मित्र शंकर लालवानी जी को धन्यवाद देता हूं। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वास्तविक सिंधी समाज जब यहाँ उपस्थित है, क्या हमें कहना ये उचित होगा आज़ादी 1947 में हमको मिली, आप लोगों की जिंदगी में तो 1947 त्रासदी लाया था। इतने दिनों के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने जब देश 15 अगस्त को आजादी के दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, देर सही प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को त्रासदी दिवस के रूप में देश की जो एक भयानक स्थिति हुई थी, जिसकी जीता जागता ये सिंधी समाज है, वतन को छोड़े, अतिमिया लोगों को छोड़े, जमीन जायदाद व्यवसाय कारोबार किस परिस्थिति में हमको छोड़ना पड़ा। कभी कभी मैं इतिहास को पढ़ता हूं, क्या सिर्फ अंग्रेज आने के बाद या धर्मीय आधार पर देश की विभाजन होने के बाद ये स्थिति बनी? प्रकृति माता ने आप लोगों को दुनिया की जिस भूगोल में रखा था, भारत की जिस हिस्से में आपको रखा था, पश्चिम इलाका में, जब यहां इस देश में मुगल आक्रमण हुई होगी, विदेशी आक्रांताओं ने आए होंगे, तो आप ही को तो कुचल के आए होंगे, आप ही तो उनके संघर्ष को उनके साथ, आप भी तो मुगल काल में लड़ाई किए होंगे, तो ये संघर्ष की गाथा। अभी अध्यक्ष जी मेरे कान पे कह रहे थे, मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमारे गांव में भी, कोटा में भी समाज की बहुत बड़ी उपस्थिति है। उन्होंने आपको प्रशंसा करते हुए, आपके सामाजिक चरित्र को बताते हुए मेरे को कहा कि सिंधी समाज की एक विशेषता है, कोई भी नौजवान खाली नहीं बैठता है, सब काम पे लग जाते हैं, एक उद्यमियों का समूह है ये सभागार भी, उसकी एक मिनी प्रारूप है। मित्रों, इस बड़े देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह से, ये कभी संभव नहीं था या नहीं हो सकता था, दो चार लोगों की मेहनत से इतनी बड़ी भूखंड आज आजादी प्राप्त किया, लेकिन आजादी की 1947 के बाद
ये कोशिश किया गया, एक नाकाम कोशिश किया गया, जैसे एक दो संज्ञा टाइटल वालों ने ही इस देश को आजादी लाई। ये हेमू काला ने कहा, इसीलिए ही प्रधानमंत्री कहा कि जाओ इस आजादी के अमृत काल में हम लोग ये संकल्पना करें कि देश को आजादी दिलाने के लिए गिलहरी की भूमिका सही या हनुमान की भूमिका सही, जिन्होंने भी योगदान किया यही क्षण है, ये कृतज्ञ राष्ट्र की दायित्व बनता है कि सारे महानुभवों को सम्मानित करना। इसलिए मेरा सौभाग्य है आज हम हेमू कालानी जी की शताब्दी समारोह को श्री गणेश कर रहे हैं, दूसरी सौभाग्य है लोकसभा की स्पीकर साहब की उपस्थिति में कर रहे हैं। मैं दो तीन विषय कहना चाहूंगा। हम सिंधी समाज में त्रासदी दिवस को ना भूलें।